महान दार्शनिक लाओस्से के विचार एक छोटे से बीज की तरह होते हैं, जो पहली बार सुनने में तो मामूली लगते हैं, लेकिन उसमें पूरे ब्रह्मांड का मूल होता है। उसे मस्तिष्क रूपी धरातल पर ज्ञान रूपी पानी से सींचने पर वो एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, जिसमें आनंद रूपी फल मिलता है। लाओस्से सादगी, दया और धैर्य को सबसे बड़ा खजाना मानते हैं। सादगी मनुष्य को सरल बनाती है। लाओस्से कहते हैं, जमीन के निकट रहो, सोचने में सरलता रखो, झगड़े में निष्पक्ष एवं उदार रहो, काम में वो करो जिसमें आनंद आए। दया मनुष्य को आकर्षक बनाती है। लाओस्से कहते हैं, शब्दों में दयालुता आत्मविश्वास पैदा करती है, सोच में दयालुता गुणता पैदा करती है, और बांटने में दयालुता प्रेम पैदा करती है। धैर्य मनुष्य को सफल बनाती है। लाओ कहते हैं, धैर्य सफलता की कुंजी है। वह मन जो स्थिर है उसके प्रति पूर्ण ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। हजारों मील की यात्रा बस एक कदम से शुरू होती है। एक अच्छे यात्री की कोई तय योजना नहीं होती। मंजिल से अधिक सफर की सार्थकता होती है। पानी की तुलना में कुछ भी अधिक नरम और लचीला नहीं है, फिर भी पानी को कोई रोक नहीं सकता। दूसरों पे काबू करना ताकत है, परंतु खुद पर काबू करना असली ताकत है। दुनिया की सबसे कोमल चीज दुनिया की सबसे कठोर चीज को जीत लेती है। सच्चाई पर लाओस्से के विचार सबसे अलग हैं। लाओ की बातें सच बताती भी हैं और सच छुपाती भी हैं। लाओस्से कहते हैं, सच्चाई किसी तर्क का परिणाम नहीं हो सकती। तर्क से वास्तविकता धुंधली हो जाती है। हर वो चीज हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है जिसके बारे में बात की जा सके। लाओ के अनुसार सच्चाई एक ऐसी तिजोरी है जो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि मौन रहने से खुलती है। मौन को तोड़ने का मतलब आर्गुमेंट पेश करना, और आर्गुमेंट सच्चाई का जरिया नहीं हो सकता। मौन प्रकृति की भाषा है, और मानव द्वारा बनाई गई कोई भाषा सच्चाई को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकती। बोलने से सच्चाई विकृत हो जाती है। मौन ही सच्चाई का आईना है। शब्द सच्चाई को ढकने का काम करते हैं। अगर इस ब्रह्मांड की शुरुआत मौन से हुई है और सभी भाषाओं का जन्म मौन से हुआ है, तो सच्चाई के लिए प्राथमिकता मौन ही होनी चाहिए। किताबी ज्ञान केवल वास्तविकता की ओर इशारा करने वाली माध्यम है, न कि खुद वास्तविकता। वास्तविकता तो प्रकृति के शांत प्रवाह में है। अगर आप प्रकृति के प्रवाह में डूब जाना चाहते हैं, तो आपको च्वाइसलेस होना पड़ेगा। च्वाइसलेस होने से मन ठहर जाता है, और मन का ठहराव मौन की ओर ले जाता है। लाओस्से कहते हैं, रंगों की इच्छा ना करें, क्योंकि रंग आंखों को अंधा बनाती हैं। किसी की ना सुने, क्योंकि आवाजें कानों को बहरा बनाती हैं। ख्याल मन को कमजोर बनाते हैं, और डिजायर दिल को दुखा देती हैं। इसलिए च्वाइसलेस बनो। जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। चीजें जैसी हैं उसमें आनंदित रहो। जब तुम इस बात का एहसास कर लेते हो कि किसी चीज की कमी नहीं, तो पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। जिसके पास ज्ञान है वो भविष्यवाणी नहीं करते, और जो भविष्यवाणी करते हैं उनके पास ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान को समझाया जा सकता है वो असली ज्ञान नहीं हो सकता। जिस नाम को नाम दिया जा सकता है वो शाश्वत नाम नहीं हो सकता। लेकिन जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, सिर्फ वो ही हमेशा था, हमेशा होता है और हमेशा रहेगा। असली ज्ञानी दुनिया को बस ऑब्जर्व करता है, लेकिन सिर्फ अपने आंतरिक विजन पर ही ट्रस्ट करता है। वो बिना लगाव के चीजों को आने और जाने देता है, और उसका दिल खुले आसमान की तरह आजाद होता है।